Hi everyone. So we are there with our series on the continents. World mapping हम कर रहे हैं और इसमें कई सारे continents हम कर चुके हैं that you can find on our official YouTube channel of Perfection IAS. North America has been completed. South America, North America is there in two volumes, part 1 and part 2. South America, Australia and Africa. So now today we are going to start a new continent and its name is Europe. तो आपके लिए यहाँ पर दो सवाल थे. पहला सवाल ये था कि यूरोप के मैप को ड्रॉ करना ज़रूरी है क्या. अगर कोई क्वेश्चन अगर यूरोप से अगर आता है मेंस एग्जामिनेशन में तो क्या ये ज़रूरी है. तो मैं आपसे बोलूँगा कि ये कतई ज़रूरी नहीं है. Fine. It all depends upon your level of comfort. If you are comfortable, you can go with it. And if you are not comfortable, don't touch it at all. क्योंकि अगर आप ऐसा कोई भी मैप ड्रॉ करते हैं जिसको कि अफ्रीका को देख के फीलिंग आती है कि ये अफ्रीका नहीं एक साउथ अमेरिका है, या यूरोप का मैप ड्रॉ करते हुए ये फीलिंग आती है कि यूरोप नहीं ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑब्वियस सी बात है यू शुड नॉट ट्राई. लेकिन अगर आप कोशिश कर सकते हैं, इफ़ यू कैन शो समथिंग, जैसे कि अगर आपको यूरोप में वर्ल्ड मैप पे अगर आपको शो करना है कि मिनरल्स का बेस कहाँ पे है, या ड्रेनेज पैटर्न को आपको शो करना है, या आप चाहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस में कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को शो करने के लिए पर्टिकुलर लोकेशन को दिखाएं, तो आप ऐसा कर सकते हैं. जो बच्चे ज्योग्राफी का आंसर लिख रहे हैं और हमारे साथ यहाँ ज्योग्राफी की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको मस्ट है अपने मेंस में कि इसको ये ड्रॉ करना सीखें. जनरल स्टडीज़ के बच्चों के लिए मस्ट नहीं है, लेकिन हमेशा जानिए कि जिसने भी बेहतर तैयारी की है वो बेहतर स्कोर करेगा. तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आप सब लोगों को वो स्किल डेवलप करने में मदद करूँ जिससे कि आपको फ़ायदा हो. जो भी कर सकते हैं मेरे साथ आइए. पॉइंट नंबर टू, कि यूरोप से आपके पास प्रिलिम्स में क्या क्वेश्चन आते हैं. तो इनके तीन क्वेश्चंस बड़े फेवरेट हैं. नंबर एक कि यूरोप के माउंटेन्स, नंबर टू यूरोप की रिवर्स, और नंबर थ्री यूरोप के इम्पोर्टेंट कंट्रीज, जो कौन सा बाल्कन है, कौन सा ब्लैक सी के पास है, कौन सा कैस्पियन सी के पास है, इस तरह के क्वेश्चंस. तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे मैपिंग पार्ट से, एंड देयर आफ्टर वी विल टॉक अबाउट द अदर फीचर्स. अब सवाल है कि मैपिंग को हम कहाँ से शुरू करें. तो हमेशा ख्याल में रखिए कि कोई भी एक डायरेक्शन लीजिए, है ना. आप चाहें तो नॉर्थ से आ सकते हैं, सॉरी वेस्ट से आ सकते हैं, और आप चाहें तो ईस्ट से जा सकते हैं. मेरा तरीका क्या है कि राइट हैंड्स यूज़ करता हूं मैं हमेशा, तो आई विल गो विथ राइट हैंड. इन द राइट द फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू हैव विथ यू, एंड दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ Caspian Sea. You know that the Caspian Sea forms border between Europe and Asia. Ural Mountain forms border between Europe and Asia. Then the Caucasus Mountain, और फिर नीचे Black Sea, और वहाँ से हम चले जाएंगे Mediterranean Sea पे, और फिर से वो Spain, Portugal होते हुए, France होते हुए ऊपर Denmark, और वहाँ से फिर Norway, Sweden, Finland करते हुए Russia होते हुए निकल जाएंगे, और last में कर लेंगे UK को. जॉब इज डन. तो सबसे पहले देखिए मैंने कहाँ से शुरू करना है. मैंने शुरू करना है कैस्पियन सी बनानी है. नीचे से बनाइएगा ताकि ऊपर तक जा सकें. तो कैस्पियन सी बनाने का जो सिंपल सा तरीका है कि एक बस आप एक ऐसा फनल शेप ड्रॉ कर लीजिए. नॉट ए बिग डील. नाउ कम टू दिस पार्ट, और ये आपके पास एक सिंपल स्ट्रेट लाइन करिए, एंड दिस लाइन इज एक्चुअली What? Ural Mountain. This is Ural Mountain. अब ये वाला border आपका तैयार हो गया, और यहां से एक छोटा सा हम कर लेंगे Black Sea को. Black Sea. और इसमें अगर एक छोटा सा कट हमने ऐसे लगा लिया तो ये हो जाएगा सी ऑफ अजोफ. अभी मैं बताऊंगा आपको सारी बातें. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है बिकॉज ऑफ दैट रशिया यूक्रेन वॉर. और इन दोनों को कनेक्ट करते हुए एक माउंटेन हम और ले लेंगे बीच में, जैसे यहां पे लिया है, जैसे यहां पे लिया है ये यूराल, ऐसे यहां ले लेंगे हम एक कॉकेसस. ऑलराइट, ये रहा कॉकेसस, और इसके आगे से हम निकलेंगे ऐसे
ब्लैक सी, अब यहाँ पे छोटा सा लेंगे और इसका नाम क्या हो जाएगा, दैट वी विल सी लेटर ऑन, इट्स नेम वुड बी सी ऑफ मरामरा। एंड देयर आफ्टर आपने एक लाइन नीचे की तरफ लेनी है एंड दिस इज दैट टर्की पार्ट जिससे हमें कोई मतलब नहीं, और अब इसको बस हमें कनेक्ट कर देना है। एड्रियाटिक सी, दिस इज इटली का कर्व एंड दिस इज सिसली, यहाँ पे ये छोटा सा, यहाँ पे ये कोर्सिका एंड सार्डिनिया, और बस अब आप इसको कनेक्ट कर लीजिए ऐसे, ऊपर गए नॉर्वे, यहाँ पे हल्का हाथ ऐसे हिलाइएगा, द रीजन इज कि इट हैज दैट इंडेंटेड कोर्स, कोला पेनिनसुला एंड देन हेयर जस्ट कनेक्टेड एंड नाउ यू हैव दिस मैप ऑफ यूरोप रेडी। अब बच गया आपके पास यूके का पार्ट, जस्ट टेक ए कर्व लाइक दिस, थोड़ा सा हाथ हिलते रहने चाहिए आपके, एंड दिस इज आयरलैंड। ऑलराइट, स्टेट ऑफ डोवर एंड इंग्लिश चैनल यहाँ पे आ जाएगा, ये रहा डेनमार्क, ये रहा नॉर्वे, ये रहा स्वीडन, फिनलैंड, और ये वाला पार्ट आपके पास फिनलैंड का पार्ट एंड देन दिस इज रशिया पार्ट। तो दिस इज द मैप ऑफ दिस, और छोटा सा आप यहाँ पे एक आइसलैंड भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, दिस इज आइसलैंड, और इस तरफ में आपके पास आ जाएगा ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ डेनमार्क। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कहीं से भी आप इस तरफ से जाएंगे, इट इज ऑलवेज गुड। नाउ इन दिस सेशन मैपिंग हमने किया, अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट माउंटेन्स को पुट करते हैं कि व्हाट इंपॉर्टेंट माउंटेन्स आर देयर। तो देयर यू सी, जस्ट ट्राई अ फॉर्मूला, टेस्टेड फॉर्मूला दैट स्टार्ट मार्किंग बाय योर ओन, एक दो बार पढ़ लीजिए आप मेरे साथ में। यहाँ पे एक आउटलाइन मैप आप खरीदिए मार्केट से, वो आपको मिल जाएगा यूरोप का, एंड स्टार्ट मार्किंग बाय योर ओन। आपने अगर 10 टाइम्स अगर उसको मार्क किया है, देन डेफिनेटली इट इज गोइंग टू गिव यू ए गुड लेवल ऑफ कंफर्ट इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ऑलराइट, तो यू सी हियर वन लाइन, हियर वन लाइन यू टेक दिस वे, then you take this way here, then here, then here, then here, thereafter, thereafter here, then here and here। यूरोप के इंपॉर्टेंट माउंटेन्स आपने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। ये अब इसका देखिए नॉमिनक्लेचर कर लेते हैं। नॉमिनक्लेचर क्या है आप ये देखिए, हेयर इट इज इन इंग्लैंड, इट इज Pennine, what is Pennine? So it is a old folded mountain, alright, not mountains, it is mountain, it is old folded mountain of England. Here it is a Scandinavian माउंटेन, है ना, जोलन माउंटेन, एंड इट इज ऑल्सो वॉट, इट इज ऑल्सो वॉट, ओल्ड फोल्डेड, याद रहेगी बात, ओल्ड फोल्डेड। एज आपसे पूछेंगे नेचुरल स्टडीज में, अदरवाइज इट इज कैलिडोनियन, दीज ऑल आर कैली Donian mountains, clear? Now this part done, now we are coming to this part। अब देखो, अब यहाँ पे this is what Spain and this is what France, तो इन दोनों के बीच में जो लाइन है ना, this is called Pyrenees, this is called Pyrenees, Pyrenees, Spain and France, here it is Alps, Alps। कंट्रीज कौन सी है, एल्प्स पासिस थ्रू हाउ मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। एल्प्स, एंड इट हैज द हाईएस्ट पीक ऑल्सो, एंड इट्स नेम इज माउंट ब्लैंक,
Mount Blanc. Highest peak of Alps. It is not the highest peak of Europe. It is the highest peak of Alps. That is Mount Blanc. Here it is Zura Mountain. And the country is Switzerland. Country is Switzerland. Here it is Italy. In Italy it is Apennine. In Italy Apennine. Apennine kya hai? Newfoundland. Apennine is Newfoundland. Alps is Newfoundland. Newfoundland. Now here it is Dinaric Alps. It is also Newfoundland. And here it is Carpathian. Carpathian. And here Hungary. Country is Hungary. Newfoundland. Ab dekhiye. Now this one is Caucasus. Caucasus. It has the highest peak. Its name is Mount Elbrus. And this Mount Elbrus is highest peak of Europe. And then finally it is Ural. And that is old folded mountain. And your job is done. This much is the mountain. This much is the mountain. अब इसको देखिए, आपको दिमाग में बैठाना है, आपने याद करना है. कैसे याद करेंगे? सवाल आप पूछते हैं कि कैसे याद करें इसको, तो थोड़ा सा ना फॉर्मूला करते हैं, थोड़ा सा फॉर्मूला इसमें लगाते हैं कि आप देखो कि दिस इज इंग्लैंड. इंग्लैंड इज द प्लेस फ्रॉम वेयर पेन वॉज इन्वेंटेड. तो इट इज पेनाइन. All right. Then here it is the Pyrenees, one who creates division, that is called Pyrenees, between Spain and France. Alps, everyone knows that is there. Countries कौन सी हैं? ये आपने बताना है. Then it is Zura. You can see it is like the Zura, what the women make, है ना? तो Zura. Then it is Apennine. Italy gives you that such a homely environment to feel. So that is called Apennine. Then Dinaric Alps, यहाँ पे दिमाग में रखना है. This is Carpathian and this is Caucasus. Caucasus का नाम तो आपने कई बार सुना होगा, आपने हिस्ट्री में भी सुना होगा कि as per one theory, Aryans came from this side of Caucasus. And Ural, that is a very famous mountain that divides Europe from Asia. All right. तो अब ये आपके पास mountains हैं. तो आई थिंक दैट अगर आप ठीक से इसको ड्रॉ कर पा रहे हैं, वेल एंड गुड. अदरवाइज याद तो आप इसको कर ही सकते हैं. तो आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में बताइएगा, इसमें कमेंट लिख करके, कि आप कितने कंफर्टेबल थे. तो आप यूरोप का भी पार्ट टू बनाऊंगा, जैसे कि मैंने नॉर्थ अमेरिका का बनाया था, जिसमें कि हम रिवर्स की बात करेंगे और कंट्रीज की बात करेंगे. ऑल राइट, इस वीडियो में इतना ही. आई होप यू लाइक इट एंड यू विल डेफिनेटली अप्रिशिएट इट. थैंक यू वेरी मच.